जैसा कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। इन फ्लड्स ने गरीबों से उनकी छत, कपड़ा और खाना छीन लिया है। तो इसीलिए डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स गरीबों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी नॉलेज में आया कि श्री आनंदपुर नाम का एक मंदिर है हैदराबाद में, उन्होंने भी गरीबों की मदद करने के लिए एक स्टेप उठाया है और वो 2 दिनों से गरीबों में खाना बांट रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज उनका 3रा दिन है तो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता हूँ और एक प्रॉपर ब्लॉग बना लेता हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और गरीबों की मदद करने का जज्बा आए। तो उन 2 प्रीवियस दिनों की भी वीडियोस हमने लोगों से ली हैं और ये वीडियोस किसी किस्म के दिखावे के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये सब लोगों में मदद करने का जज्बा पैदा करने के लिए वीडियो शूट की गई हैं और आपके सामने पेश की गई हैं। उठो मदद कयो, अचो मदद कयो, देश जाए भाएरों बेहन जो नब तो आ, अज पजे वतुन मथा इम्तिहान सब तो आ। जय सद्दानंद जी, जय श्री कृष्णा, वाहेगुरु, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज हम निकले गरीबों की मदद करने, हम नहीं निकले, ये सब कुछ हो रहा है श्री आनंदपुर की तरफ से, जो कि गरीब लोगों को डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में जहाँ सामने जो भी गांव है वहाँ पे मतलब फ्लड आ गया है, सैलाब आ गया है। बस ये आगे आपको ये जितेंद्र बताएगा। जय सचान जी, जैसे कि पाकिस्तान में बरसात की वजह से बहुत सूरत ख़राब हो गई है, इस वजह से बहुत से लोग जो है ना रोडों पे आ गए, रास्तों पे आ गए हैं, उनके घरों में पानी आ गया है। इस वजह से आनंदपुर की तरफ से हम जा रहे हैं लोगों को राशन तकसीम करने। प्लीज़ प्लीज़ लोगों को गुजारिश है कि उनकी मदद करो, उनको तावन करो, उनको खाना पहुंचाओ, बहुत उनको ज़रूरत है। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो, कपड़े हो, शूज़ हो, चप्पल हो, जो कोई चीज़ भी हो, बराए मेहरबानी उनको पहुँचाओ, उनको बहुत ज़रूरत है। हम हाथ बांध के कहते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ शेयर करो और लोगों को मदद करो। मदद बोलो, जयकारा बोल, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दरख्शां सितारे हैं खिदमत के पैकर, ये हज़्मो शुजात मोहब्बत के पैकर, ये जो होते मुसलसल के ठहरे सिपाही, सदाकत दयानत अमानत के पैकर, ये जो होते मुसलसल यतीमों गरीबों फकीरों की खिदमत, ये कमजोर बेबस मरीजों की खिदमत, ये आफत ज़दा बेसहारों की खिदमत, ये खलके खुदा की, ये प्यारों की खिदमत, ये छोटे मुसलसल, ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत, ये छोटे मुसलसल, ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत, ये बेहाल हो तो फकीरी में खिदमत, हो दौलत की हामिल अमीरी में खिदमत, जिगर के लहू से पसीने में खिदमत, ये जंगो जदल में अमीरी में खिदमत, ये जो से मुसलसल, ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत, ये जो दे मुसलसल, ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत, ये हर एक मौसम
खिदमत, सहर शाम खिदमत, है रातों में खिदमत, ये मौजे हवादिस में तूफान में खिदमत, धमाकों में खिदमत, है फाकों में खिदमत, ये छोटे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे आला है मंशूर खिदमत, ये छोटे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे आला। तो ये आप देख सकते हैं कितनी हालत पूरी हुई हुई है, यह सिर्फ बारिश की वजह से, इधर साइड पानी जमा हो गया और इधर साइड भी, और ये रोड खराब हो गया और वहाँ पे अब गरीब बीच में रह रहे हैं। ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत, हम अकेले नहीं तुम अकेले नहीं, भर के तुम कब से खेले नहीं, क्या क्या सितम तुमने झेले नहीं, अकेले नहीं अकेले नहीं, क्या हुआ अगर वो खुशी के रेले नहीं, क्या हुआ जो निकली सदा, जिनका कोई भी नहीं उनका भी है खुदा। तो नेक्स्ट डे के लिए कपड़े वगैरह बच्चों के बड़ों के सबके प्रॉपर बैग्स में पैक करके रख दिए, तो वो नेक्स्ट डे पे वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट डे पे श्री आनंदपुर ट्रस्ट वालों ने खाने के साथ साथ मेडिकल कैंप की सर्विस भी प्रोवाइड करने का सोचा, तो मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया। आहते सैलाब में कुजुब को नवा बचो, भुखते आहने बारड़ा वीरान थी बयो बेढ़ो, बसवरा बुधो सदा जिन जन अझा रहा, रोई से सदिन पया राहू से तकिन पया, तो मदद कयो मचो मदद कयो, उठो मदद कयो मचो मदद कयो। ये कहकर माँ ने सुलाया गरीब बच्चे को, फरिश्ते ख्वाब में आते हैं रोटियां लेकर। तो आप भी इन ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं, आप इन लोगों में चीज़ें वगैरह बांट सकते हैं, जैसे खाना कपड़े वगैरह ज़रूर बांटें। राहू से तकिन पया।